इंग्लैंड के बर्मिंघम में इसी महीने से शुरू होने वाली राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत ने 215 खिलाड़ियों का अपना बड़ा दल भेजा है। नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया समेत देश के कई स्टार और बड़े खिलाड़ी इस दल का हिस्सा हैं और इंग्लैंड पहुंच चुके हैं। टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज यानी 20 जुलाई को बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार को राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने जा रहे भारतीय दल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होने वाले इस संवाद में एथलीटों के साथ साथ उनके कोच भी शामिल होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम में इन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। गोलकीपर पीआर श्रीजेश और कृष्ण बहादुर पाठक, डिफेंडर वरुण कुमार, सुरेंद्र कुमार, हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह और जर्मनप्रीत सिंह, मिडफील्डर मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, विवेक सागर प्रसाद, शमशेर सिंह, आकाशदीप सिंह और नीलकांत शर्मा, फॉरवर्ड मनदीप सिंह, ललित कुमार उपाध्याय, गुरजन सिंह और अभिषेक। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए महिला हॉकी टीम में इन खिलाड़ियों को जगह मिली है। सविता पुनिया, रजनी इतिमारपू, दीप ग्रेस इक्का, गुरजीत कौर, निक्की प्रधान, उदिता निशा, सुशीला चानू, पुखराम बाम, मोनिका, नेहा ज्योति, नवजोत कौर, सलीमा टेटे, वन्ना कटारिया, लाल रेम सियामी, नवनीत कौर, शर्मिला देवी और संगीता कुमारी। बता दें कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम में 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। इस आयोजन में कुल 215 एथलीट 19 खेलों की 141 स्पर्धाओं में भाग लेकर राष्ट्रमंडल खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत की तरफ से इस बार एक बड़ा दल राष्ट्रमंडल खेलों में भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड।